हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 6। एज योर डिमांड, सो इट इज वेरी लेट बट नॉट मच लेट। ओके, थोड़ा लेट है लेकिन कोई बात नहीं है। मैनी ऑफ यू ऑलरेडी डन, ओनली फ्यू स्टूडेंट लेफ्ट टू कंप्लीट। दोज आर नॉट कमिंग स्कूल और regularly not coming in these days, so only they have left to complete their work, chapter 6 and 7 and other already done. So without any delay, let's start fraction. Very easy chapter or very interested chapter. आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, कोई problem नहीं है। हाँ, कुछ hard question है ना, और ओलंपियाड्स क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्लास 4 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आगे एग्ज़ाम देना, जैसे ओलंपियाड एग्ज़ाम हो गए या आप नवोदय वगैरह NVS के एग्ज़ाम वगैरह देने होते हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्शन डेफिनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ होल मीन्स सपोज दिस इज द पिज्जा और एनीथिंग, सर्किल पिज्जा, एनीथिंग यू टेक एंड यू डिवाइड इट इन थ्री पार्ट, थ्री इक्वल पार्ट, इट इज डिवाइडेड इन थ्री इक्वल पार्ट। ओके, सो टोटल पार्ट 3, ठीक, एंड हाउ मेनी सर्किल और पिज्जा, तो 1, ठीक, 1 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3, 1 क्या था, होल था, और होल के कितने पार्ट हुए, 3, दैट इज द पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। अब इसमें से हमने एक को सेट कर दिया, कितने पार्ट है टोटल, 3, और 3 में से कितना कलर्ड है या सेडेड है, 1, तो भी 1/3। अगर इसमें हमने 2 को सेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। ओके, सो इट इज वेरी इजी, पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई भी कंप्लीट चीज है उसके हम टुकड़े 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 करते हैं तो वो फ्रैक्शंस में आएगा। किसी एक चीज के हमने 10 पार्ट किए तो 1/10 हो गया, ठीक है, जो पहला पार्ट होगा वो 1/10, यानी कि जब हमने इसको 3 पार्ट में किया था तो ये भी 1/3 था, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ठीक, और जब 2 पार्ट सेटेड किए तो ये 1/3 2/3 हो गया, और ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/3। सो दैट इज योर फ्रैक्शन डेफिनेशन। इन फ्रैक्शन डेफिनेशन वी हैव टू रीड 7 टाइप फ्रैक्शन। ये आपने समझ लिया 7 टाइप, मतलब आपका चैप्टर खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आपके चैप्टर में रिलेटेड टू लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड ही सम्स और वो है, डिफरेंस फाइंड करना है, सम्स फाइंड करने रिलेटेड टू लाइक फ्रैक्शन, और लाइक फ्रैक्शन के सम्स वगैरह बहुत इजी होते हैं, ठीक है, तो बहुत लो लेवल है। सो फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन, सेकेंड लाइक, थर्ड अनलाइक, फोर्थ प्रॉपर, then improper, then mixed, then equivalent fraction. तो 1/1 हम इनकी definition लिखेंगे। Let's start. First number unit fraction. सबसे पहले हम fraction की definition लिखेंगे, फिर type of fraction लिखेंगे, इसके बाद हम 1/1 इन सारे type की definitions लिखेंगे। Okay? So first is unit fraction. फ्रैक्शन विच हैव 1 एज अ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जैसे 2/3 है तो अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अपर पार्ट न्यूमरेटर, ठीक है, एंड लोअर पार्ट डिनोमिनेटर, ठीक है।
So a fraction which have one as a numerator, numerator यानी कि upper part में अगर one है तो वो unit fraction. Unit मतलब unique, unique मतलब one. ठीक, तो unit fraction. Examples में कोई भी example ले लो, numerator में one होना चाहिए. Like fraction, fraction which have same denominator, यानी कि जो denominator है lower part वो same होना चाहिए. Which have same denominator are called the like fraction. 1/9, 2/9, 7/9, बहुत सारे ऐसे fraction बनेंगे. ठीक है, a like fraction just opposite of like fraction है ना, which have different denominator, denominator different हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा unlike fraction. 1/3, 2/3, 8/9. हालांकि इन fractions में दूसरे कोई fractions भी शामिल होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन unlike होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट ये थ्री डेफिनेशंस हो गई, अभी और बाकी लिखते हैं. सो नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फॉर मोर डेफिनेशंस. सो प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब क्या होता है, प्रॉपर मतलब हम कोई चीज चेंज ना कर सके, प्रॉपर तरीके से लिखी गई हो. सो सेम थिंग इज हियर, फ्रैक्शन व्हिच हैव लेस न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. लेस न्यूमरेटर मतलब जैसे 1/2, 3/5, 7/9, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम डेसिमल में जाएंगे तो ये डिवाइड होंगे, डेसिमल आने लगेगा. ठीक है, जैसे 2 की टेबल हम 1 में रीड करें नहीं रीड कर सकते, 5 की टेबल 3 में नहीं रीड कर सकते ना, 9 की टेबल 7 में नहीं, क्योंकि वो लेस है. ठीक, तो इफ द फ्रैक्शन व्हिच हैव लेस न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर लेस होगा, यानी कि हम प्रॉपरली उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना. तो जस्ट अपोजिट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड मतलब कोई दो चीज को मिक्स कर दिया जाए, है ना, दो से दो, दो चीजों को या तीन चीजों को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स्ड बनेगा. तो सेम इज हियर, ए प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी होना चाहिए उसके साथ में और एक होल नंबर भी होना चाहिए. प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होगा. प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, नहीं इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. हियर इट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. जैसे 2 whole 1/2, इसको 2 whole 1/2, 2 correct 1/2, 2 right 1/2, ये सब हम पढ़ सकते हैं. ठीक, और ये 3 whole 1/5, ये 2, 3, ये सब होल नंबर, होल मतलब कंप्लीट नंबर. ओके, इनके पार्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे 1 के 2 पार्ट है, यहाँ के 1 के 5 पार्ट है, तो ये 1/5, 1/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जिनकी इक्वल धन वैल्यू, इक्वल प्लस वैल्यू, यानी कि जिनकी वैल्यू इक्वल हो. टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम वैल्यू. जैसे 1/2, 2/4, 2/4 को अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो हमें 1/2 ही मिलेगा. 4/8 इसको मिनिमाइज करेंगे तो भी 1/2 ही मिलेगा. तो थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिटेल में समझते हैं. पहले ये सारे डेफिनेशंस राइट कर लीजिए, आपकी डेफिनेशंस हो गई, आपका 60% चैप्टर फ्रैक्शन खत्म हो गया अगर ये समझ में आ गया तो. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम समझते हैं किसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को दोबारा. ओके, तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब हो गया. सपोज करिए आपके पास यू हैव अ 3 chapatis. ठीक, चपाती रोटी. ठीक है, आपके पास 3 रोटियां हैं, उनमें से 2 आपने पूरी खा ली. ठीक, 1 के आपने 3 part किए, उनमें से 1 part खा लिया.
ठीक है। तो आपने 2 तो कंप्लीट रोटियां खाई, ठीक है, एक रोटी के कितने पार्ट किए गए, 3, उसमें से एक पार्ट आपने खा लिया यानी कि 1/3, तो 2 होल 1/3, ये इसका कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरी चीज, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कहीं नहीं आना, ठीक है, मतलब मिक्स्ड में प्रॉपर का कोई रोल नहीं होता, इम्प्रॉपर आपका मिक्स्ड में कन्वर्ट होगा और मिक्स्ड इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा। अब कन्वर्टिंग वाला सिस्टम कैसे है ये भी समझिए। जैसा ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर में, ठीक है, इम्प्रॉपर में, प्रॉपर में नहीं, प्रॉपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है, इम्प्रॉपर में। तो आपने पढ़ा होगा डिविडेंट इक्वल टू, डिविजन वाले चैप्टर में पढ़ा है डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंट छोड़ दो, बचा क्या, डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक, अपान डिविजर ही रहेगा, डिविजर मतलब 3। अब यहां पे डिविजर क्या है, 3, ठीक, क्वेश्चन क्या होता है, 2। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना कि ये क्वेश्चन है, जस्ट ए सेकेंड, और रिमाइंडर होता है 1। ये कैसे होता है ये अभी पता चलेगा। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिवीजर 3 क्वेश्चन 2 एंड प्लस रिमाइंडर 1 अपॉन 3, इसको सॉल्व करो, 3 2 6 1 7, ये 7/3, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 होल 1/3 लिखा हुआ है, ठीक। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको समझिए। जैसे हमारा कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था 7/3 और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आ गया, तो यहां तो आपको साफ पता चल रहा है ना कि डिविडेंट 7 है और डिविजर 3 है, ठीक है, तो डिविजर हमारा क्या था, 3 था, ये यहां से ही पता चल रहा है। इसको डिवाइड करते हैं एक बार, 3 2 6, रिमाइंडर क्या आया, 1, ठीक। अब यहां से तो आपको पता चल रहा है ना कि डिविजर 3 है, क्वेश्चन 2 है, रिमाइंडर 1 है, तो डिविजर 3 क्वेश्चन 2 प्लस 1, तो डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ही होता है और अपान में डिविजर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम किस उसमें फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे, जो क्वेश्चन होगा वो होल नंबर होगा, जो रिमाइंडर होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एज यूजुअल, जो पहले से डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर को हमने चेंज किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने चेंज किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यही प्रोसेस है, और यहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं आपके, और इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। जो पहली की बुकें थी उनमें काफी क्वेश्चन थे, जैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर थे, उनके एलसीएम वगैरह फाइंड कर करने थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एक आध हार्ड क्वेश्चन में मिल जाए तो बात अलग है, बाकी सब लाइक फ्रैक्शन हैं, सब तो सीधा सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अभी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी हम करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, वन मोर थिंग्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाँ एक चीज बची, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप समझिए, जैसे कोई फ्रैक्शन है आपके पास 3/5, इट इज ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/5, वो आपका प्रॉपर हो इम्प्रॉपर उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमें फाइंड करना इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो किसी भी नंबर का अगर फर्स्ट 5 कह रहा है तो फिर 2 3 4 5 से करेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी होता है। अगर कह रहा फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6/10, ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट। और फाइंड करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो 9/15, ये इसका क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि 6/10 का लोएस्ट फॉर्म में कैसे करें, तो 6 को हम ऐसे ब्रेक करके लिख देंगे 3 × 2, 10 को लिख देंगे 5 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 वापस आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट था, सो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6.1 एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यही सब चीज़ें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे और आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन इन द क्लास, सो इट्स ओके। सेकेंड ऑल्सो वेरी इजी, यू हैव टू कलर्ड नंबर 3, सी नंबर 3, सो यू हैव टू फिल देयर, सी इन योर बुक 2/5 इज देयर, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ले लो या सी ले लो, सी ले लेते हैं। ये सब बुक में फिल करने हैं, 3/8 इक्वल टू ब्लैंक इज देयर, आई एम नॉट मेकिंग बॉक्स, 32, 15 बॉक्स, हम हमेशा ओरिजिनल फ्रैक्शन लेंगे, आगे वाले फ्रैक्शन से हमें कोई मतलब नहीं। तो देखिए 8 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा 16 के लिए, 2 का, तो 3 में किसका करेंगे, 2 का, 3 × 2 = 6। अब 8 में किसका मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 3 में किसका करेंगे, 4 का, 3 × 4 = 12। ठीक, अब 3 में किसका मल्टीप्लाई हुआ कि 15 आया 5 का, तो 8 में किसका कर देंगे, 5 का, 8 × 5 = 14। ऐसे कंप्लीट करना है, तो आई होप यू कैन इजिली कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट, सो नाउ क्वेश्चन 4, फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए 5 इक्विवेलेंट बोल रहा है, तो हम किसी भी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट 5 बोलता तो हम फर्स्ट 1 से 2 से 3 से ऐसे करते, तो अभी हम चाहे 1 से 2 से 3 से करें या 4 से 5 से कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में किसी और नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा और डिनोमिनेटर में किसी और का, फिर वो इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1/7 है, तो 1/7 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 2/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, फिर इसी में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 3 का, फिर इसी में मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, 6 का। यहां पे हम सब जगह इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, सबकी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, 1 × 2 = 2 और 7 × 2 = 14, यानी कि 2/14 मिला, 3/20 और 7 × 3 = 21, इनको मल्टीप्लाई करते जाए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 4 × 1 = 4 और 7 × 4 = 28, 5 × 1 = 5 और 7 × 5 = 35, 6 × 1 = 6 और 7 × 6 = 42, है ना आसान। अब देखिए 4/7 को करते हैं, सेम इसमें भी 4/7 मल्टीप्लाई 2/2, 1 का क्यों नहीं करें, क्योंकि 1 का ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई है, फिर 4/7 मल्टीप्लाई 3/3, फिर 4/7 मल्टीप्लाई 4/4, फिर 4/7 मल्टीप्लाई 5/5 और 4/7 मल्टीप्लाई 6/6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमें फाइंड करना है तो 6 तक जाएंगे क्योंकि 1 में नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 × 2 = 8/14, 4 × 7 = 12/21, 4 × 4 = 16/28, 4 × 5 = 20/35 और 4 × 6 = 24/42। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, रेस्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व।
इनमें भी आपको वही करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 का 3 का 4 का 5 का 6 में मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। ओके, एक और कर देते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई 2/2 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 3/3, 1/8 मल्टीप्लाई 4/4, 1/8 मल्टीप्लाई 5/5 और 1/8 मल्टीप्लाई 6/6। सॉल्व कर लो, 2 1 2, 8 2 16, 1 3 3, 8 3 24, 1 4 4, 8 4 32, 1 5 5, 8 5 40, 1 6 6, 8 6 48। हो गया, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए, इनको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा इनके प्राइम फैक्टर्स में। ठीक, तो प्राइम फैक्टर्स का क्या तरीका था, हमने फैक्टर्स और मल्टीपल में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करते, 39 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते थे, 3 3 1 3 3 3 9 और 13 13 13 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर मिलेंगे। ऐसे ही इनको ब्रेक करना है, तो देखिए 39 का 1 3 मल्टीप्लाई 13 और 90 का क्या बनेगा, तो 90 का ऐसे फाइंड कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम है 3 3 3 10 2 5 5 1, 5 पहले आएगा डिवाइडेशन में, आएंगे यही फैक्टर्स, तो नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये नीचे के प्राइम फैक्टर। अब क्या ऊपर नीचे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, सीधा कैंसिल कर दो, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 13 और नीचे 5 2 10 3 30 13 अपॉन 30। डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, बस चेक करना पड़ेगा दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे हम दोनों में से सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते थे ना इक्विवेलेंट बनाने में, वैसे ये चेक करेंगे कि दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर से ही डिवाइड हो गए। ठीक है, तो 3 से कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 9 और 3 3 9, सीधा सीधा 55 कैसे करो, 11 मल्टीप्लाई 5 55 और 80 का क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 8 और 8 5 40 और 42 80, 2 2 4 2 8 2 16 5 80। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, वैसे ही प्राइम फैक्टर में। ठीक, क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 गया, जो बचा वो आपका आंसर 11, 2 2 4 2 8 2 16, कैंसिल कर सकते हैं दोनों, 5 से डिवाइड होंगे, सीधा सीधा ये मिल जाएगा। 27 को करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 3 27 और 3 3 9 3 27, 3 81, तो 1 2 3 1 2 3 क्या बचेगा, 1/3, 27 3 81 होता, सीधा कट जाएगा। ठीक, 78, तो इसके भी हम फैक्टर कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 78 के फैक्टर कर लीजिए आप। ठीक, 2 3 6, 2 4 8 और 2 9 18। ठीक, तो ये सीधा सीधा आएगा 2 मल्टीप्लाई 39 अपॉन 36, सो 9 4 36, 2 2 4 क्या बचा, 39 अपॉन 9 2 18, तो ये लोएस्ट फॉर्म। अभी ये और एक बार में जाएगा, इसको आप पहले ही बना चुके हो 13 को, वो 39 को 3 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 18, सो 3 6 18, तो 13 अपॉन 6 आपका ये लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए 6.2 बहुत ही इजी है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है। सर्किल द ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन के ग्रुप को सर्किल करना, जिसमें
डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक होंगे, सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन, चूज एंड सर्किल द ऑड आउट, मतलब ये सब लाइक फ्रैक्शन दिए हैं, उनमें से एक फ्रैक्शन ऐसा है जो लाइक फ्रैक्शन के मेथड को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। तो जैसे ए में 5/7 है, बी में 8/9 है, सी में 2/5 है, तो इनको सर्किल करना है, ठीक है। तो ये सब बुक में ही काम करने हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर। तो सेट द फॉलोइंग, जैसे 2/5 है तो यानी कि 5 पार्ट है, 5 थिंग्स है, उसमें से कितनी कलर्ड है, 2 हो गया। 3/5 तो 3/5 में से, और 3/5 यानी कि 5 है और उसमें से कितने कलर किए गए, 3। कंपेयर कैसे करना, ग्रेटर इक्वल लेस यही करना। तो देखो जैसे हमने लिख दिया 3/5 और 9/5, इफ बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, हमने पहले ही बोला था लाइक फ्रैक्शन का कंपेयरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है। तो इसमें तो देखो 3 है, 3 के कितने पार्ट किए गए हैं, 5, और 9 के कितने पार्ट किए गए, 5। तो यहाँ ज्यादा नंबर के 5 पार्ट किए गए हैं और यहाँ कम नंबर के 5 पार्ट किए गए हैं, अगर हम, ठीक है, तो यानी कि आप सेम चीज अगर ले लें, ठीक है, इसका अपोजिट 2 के 5 पार्ट और 2 के 9 पार्ट, तो इसमें से कौन सा छोटा हो जाएगा ये, क्योंकि इसके ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, एक ही चीज के ज्यादा और एक ही चीज के कम, तो इसके टुकड़े ज्यादा छोटे होंगे तो ये लेस हो गया। और ऐसी कंडीशन में छोटी चीज के उतने ही पार्ट हो रहे हैं और बड़ी चीज के उतने ही टुकड़े हो रहे हैं, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक लाइन है, इसके हमें कितने टुकड़े करने हैं, 9 टुकड़े करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 छोटे छोटे हुए, ठीक। कोई एक कोई चीज थी और कोई दूसरी चीज है बड़ी है, इतनी बड़ी है, और उसके भी हमें 9 टुकड़े करने हैं। तो देखो इसके टुकड़े बड़े बड़े हो रहे हैं ना, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ग्रेटर कौन हो गया, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा लाइक में, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यूज करना है, ठीक। कुछ क्वेश्चन है जैसे डी और एच, डी एच, डी एच को समझिए आप इसको, डी एच बहुत ईजी है, डी 5/4 का 6.2 में 4 का डी 2/5 है और फिर 4/10 है, तो बहुत सिंपल है, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10, तो इक्वल आएगा, ठीक। एच में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, 4/7 और 16/28, तो 7 में 4 का और 4 में 4 करेंगे तो ये मिलेगा, ये भी इक्वल है। बस ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज थे। अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इनको हमें असेंडिंग, तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपको तो अरेंज करना इजीली आ जाएगा, कैसे, क्योंकि आपको स्मॉलर ग्रेटर फ्रैक्शंस पता चल जाएंगे, ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर, जो स्मॉलर न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर, तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको अगर नंबर दे दिया जाए 3, 5, 7, 9, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना तो आप कर लेंगे ना, बस आप यही समझिए कि यही नंबर गिवन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डिनोमिनेटर से, आप न्यूमरेटर देखिए बस हो गया, ठीक। तो इजीली आप कर पाएंगे, तो 5 और 6 बहुत इजी है। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, कोई भी 5 का ई ले लो, असेंडिंग डिसेंडिंग एक ही चीज है, 5 का ई 3/17, 9/17, 11/17 और 2/17 हम असेंडिंग में करते हैं, छोटे से बड़े। तो सबसे पहले 2 ले लेंगे, हमको नीचे वाले से मतलब ही नहीं है क्योंकि सब में 17 है। फिर इसके बाद 3 ले लेंगे और ऐसे भी लगा सकते हैं, ग्रेटर ग्रेटर 2, 3 के बाद क्या आएगा, 9 ले लेंगे, 9 के बाद क्या होगा, 11, और इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, ओके। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटेड। नाउ सी एक्सरसाइज 6.3। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या होगी,
ढोलक बगल में बज रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, बट आई विल ट्राई टू स्पीक मोर लाउडली, ठीक है? सो नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ओके? सो लेट्स स्टार्ट 6.3. राइट एन एडिशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फिफ्थ, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल है. जैसे फर्स्ट का ए नंबर है ना, तो टोटल आपको बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 14 है ना, जैसे ए नंबर बुक में करके दिया हुआ है, ठीक है? उसमें से रेड कितने हैं, 7, तो 7/14. अनदर कलर कितना है, 1, तो 1/14, दोनों को प्लस कर देंगे, सेम माइनस में भी है, ठीक है? चूंकि दीज आर द लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल ईजी होता है. जैसे ही नंबर राइट है वैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सपोज 4/21 - 3/21, तो सीधा सीधा 4 - 3 1/21, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में ज़्यादा चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो 6.3. क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन फोर इज देयर, नीना नीड्स 5.8 kg ऑफ सुगर फॉर बेकिंग केक. तो नीना नीड्स सुगर फॉर बेकिंग केक इक्वल टू 5/8 kg. आफ्टर दैट नीना नीड्स सुगर फॉर पडिंग केक. इट मीन्स सेम थिंग्स यू हैव टू राइट हियर, नीना नीड्स सुगर फॉर पडिंग केक इक्वल टू 3/8 kg. Now question is asking how much sugar is required to make in both the item. तो quantity of sugar required इक्वल टू 5/8 kg प्लस 3/8 kg. वेरी इजी, डिनोमिनेटर इज सेम, सो यू हैव टू ऐड 5/8 8/8 kg. इट मीन्स व्हाट इज दिस, 1 kg. 8/8 मीन्स 1 kg. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 and 7, राइट? Five you have to solve in your book, you have to fill in your book. Now 6, Arjun at 5/8 of chocolate bar on Monday and 3/8 of same chocolate bar Tuesday. Yani ki jo chocolate bar hai wo 8 part mein divide hai. 5/8 3/8 isse samajh mein aata hai ki 8 part mein divide hai. To 5/8 usne pehle kha liya मंडे, फिर 3/8 ट्यूसडे. ऑन विच डे डिड ही ईट मोर एंड बाय हाउ मच, किस दिन उसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया. तो वेरी इजी, राइट नंबर 6, अर्जुन एट चॉकलेट ऑन मंडे. तो मंडे कितना, 5/8, ठीक? फिर अर्जुन एट चॉकलेट ऑन ट्यूसडे, सो ट्यूसडे हाउ मच, 3/8.
सॉरी हाँ ओके करेक्ट ऑन विच डे डिड ही ईट तो किस दिन इसने ज्यादा खाया तो सिंपल है बोथ आर द लाइक फ्रैक्शन तो जिसकी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसी की वैल्यू ज्यादा होगी द पर्सन हैड मोर चॉकलेट ऑन मंडे मंडे उसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया उसके लिए 5/8 - 3/8 सो यू विल गेट 2/8 दैट इज योर आंसर ठीक है सपोज यहां अगर सीधा नंबर होता कि 5 खाया फिर 3 खाया तो किस दिन ज्यादा खाया 5 वाले दिन कितना ज्यादा खाया तो 5 में से 3 को सबट्रैक्ट कर देते हमारा आंसर आ जाता सेम हियर ओके नेक्स्ट नंबर 7 Promita travels 3/11 of the distance to her office by bus and 5/11 of the distance by train. ठीक? How much distance does she cover by these two modes of transportation? ठीक? Total distance find करना है. Very easy. Promita travels 3/11 ठीक है देन प्रोमिता ट्रेवल्ड बाई ट्रेन फाइव अपॉन इलेवन सो हाउ मच डिस्टेंस डज सी कवर्ड बाई टू मोड्स दोनों मोड में उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड की तो डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोमिता सो वेरी इजी 3/11 + 5/11 You can write kilometer because it is distance traveling by bus and train. तो bus और train सब centimeter meter में travel तो करते नहीं, है ना? So you add both, what you get? 5/3 / 8/11 This is total distance. Okay. Number 8. Dinesh read 2/9 of a book in the morning and 4/9 of the same book in the evening. How much does he read altogether? ठीक? So very easy. It is also addition. Dinesh read book. Dinesh read. Part of book in morning. कितना part उसने read किया 2/9 यानी कि 9 में से 2 part. And Dinesh read part of book in evening. इवनिंग में कितना रीड किया 4 पार्ट ठीक द सेम बुक इन इवनिंग हाउ मच डज ही रीड ऑल टुगेदर सो राइट ही रीड ऑल टुगेदर 2/9 + 4/9 = 6/9 यू कैन राइट
2 upon 3 because 3 2 is 6 it is also correct and it is also correct both are correct next question number 9 Ananya has a habit of eating lot of junk food she bought a large pizza on Monday she ate 1/10 of it and stored at the rest in the refrigerator ठीक कितना 1/10 खाया यानी कि पिज़्ज़ा के कितने पार्ट किए 1/10 का मतलब पिज़्ज़ा के 10 पार्ट हुए ठीक सो राइट अनन्या एट पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा ऑन मंडे पार्ट इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि पार्ट में ही है ना फ्रैक्शन चलता है On Monday, so 1/10, यानी कि 10 में से 1 part. 10 part में divide किया pizza को और उसमें से 1 part she ate. Ananya ate part of pizza on Tuesday कितना part? 3/10 okay of the pizza and at 1/10 of the pizza on Wednesday so Ananya had part of pizza on Wednesday how much Wednesday again 1/10 okay on which day did she eat more किस दिन उसने ज्यादा पिज्जा खाया हाउ मच पिज्जा लेफ्ट विद हर और कितना पिज्जा उसके पास बचा दो चीजें हमें फाइंड करनी तो वेरी इजी फर्स्टली अनन्या एट टोटल पिज्जा फाइंड कर लो कितना पिज्जा उसने टोटली खाया सो एट 1/10 3/10 and 1/10 so 3 1 4 1 5 so what you will get 5/10 so ne kitna khaya 5/10 and which day she ate more so on Tuesday everything is here on Tuesday she ate more usne Tuesday jyada khaya 3/10 left pizza तो लेफ्ट पिज्जा में क्या करेंगे टोटल हमारे पास क्या था वन कंप्लीट पिज्जा तो वन को हम क्या लिखेंगे कितने पार्ट में किया था 10 ऑफ 10 यही वन हुआ ना क्योंकि वन पिज्जा को हमने पूरे 10 पार्ट किए थे सो 10 ऑफ 10 माइनस इट मीन्स वन भी आप यहां कर सकते हो और इसमें सब्ट्रैक्ट करना क्या 5/10 तो 1 करने से क्या होगा कि आपने LCM मेथड पढ़े नहीं फ्रैक्शन सॉल्व करने के तो इसको हम 1 को 10/10 बना लेंगे क्योंकि 10 पार्ट वाला था अब नाउ यू कैन सॉल्व 10 - 5 5/10 सो लेफ्ट पिज्जा 5/10 यानी कि 5 पार्ट लेफ्ट क्लियर सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 नाउ हार्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन From these questions, maybe you can get one in exam. Three hard questions are there, page number 96. So let's start. तो page number 96 के hard questions. First question ये है आपका. तो see, हमने क्या LCM वाला method नहीं पढ़ा है, ठीक है? और हमारी book में LCM वाला method है नहीं, लेकिन I have explained in your school. I explained these all things. तो सी यहां पे क्या है डिनोमिनेटर 15 अगर हम इसको भी 15 बना दे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हियर नथिंग विल चेंज क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज तो 5 2 इज 10 और 5 3 इज 15 प्लस 5/15 अब 10 प्लस 5 15 So 15/15 it means 1. Clear? Second part. So you change it in lowest term. 2
टू फाइव जा टेन, टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, क्लियर। माइनस नाइन अपॉन 48। अब इसको 48 बनाने के लिए 16 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का, तो यहां भी 3 का, तो 5 मल्टीप्लाई 3 और 16 मल्टीप्लाई 3, माइनस 9 अपॉन 48। यानी कि हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके ऐसे सम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 5 3 जा 15 और 16 3 जा 48, माइनस 9 अपॉन 48, क्लियर। तो 15 माइनस 9 7, 15 माइनस 9 6, 6 अपॉन 48, दिस इज योर आंसर और यू कैन डिवाइड इट। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, क्लियर, बोथ आर द करेक्ट। नेक्स्ट नंबर सी, 5 अपॉन 9, 9 अपॉन 80 व्हाट, तो सी राइट दिस इज 5 अपॉन 9 एज यूजुअल। हियर 3 3 इज अ 9 और सॉरी 9 1 जा 9, नॉट 3 3 जा 9, 1 जा 9 और 9 9 जा 81 और माइनस 1 बाई 3। तो सी बोथ आर 9 9 मीन्स दीज बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, तो इसको भी हम 9 क्यों ना बना लें, तो मल्टीप्लाई बाई 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो 5 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 एंड माइनस 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, बस इजी हो गया। 5 प्लस 1 माइनस 3, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 अपॉन 9, तो 3 अपॉन 9, 3 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 1 अपॉन 3। इसको हम एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 81 3 इनका एलसीएम लेंगे, जैसे हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं 9 81 और 3 ऐसे करके, ठीक। फिर यहाँ नीचे रखेंगे और हम डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइडेशन आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दीज आर थिंग्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हार्ट्स। द सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 4 अपॉन 5, क्लियर। तो वेरी इजी, सम ऑफ टू फ्रैक्शंस इक्वल टू गिवन 4 अपॉन 5, ये गिवन है आपको। वन फ्रैक्शन आल्सो गिवन, वन फ्रैक्शन आल्सो गिवन 2 अपॉन 15, क्लियर। सो वी हैव टू फाइंड द अदर फ्रैक्शन, सो अदर फ्रैक्शन इक्वल टू, देखो बहुत सिंपल है, जैसे दो नंबर का सम गिवेन हो, सपोज करो दो नंबर का सम है 10 और उनमें से एक नंबर आपको मालूम है 4, तो दूसरा नंबर क्या होगा 10 माइनस 4 6, 6 प्लस 4 10, क्लियर, सेम इट इज। सो अदर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, सम में से हमें वन फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 4 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 15। अब देखो बाकी का मेथड वही, इसको मैं 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ, 4 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अपॉन 15, सो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस 2 अपॉन 15, 12 माइनस 2 10 अपॉन 15, ठीक, यू कैन मिनिमाइज इट, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, सो 2 बाई 3 और 10 अपॉन 15, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट नंबर थर्ड, लास्ट ऑफ दिस पेज 96, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड इट केयरफुली। एक्चुअली इसको हम ज्यादा लेंथी मेथड से नहीं करना चाहते, अदरवाइज एक लाइक फ्रैक्शन लेट करना पड़ेगा एक्स, दूसरा वाई लेट करना पड़ेगा इस तरह से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी और वो आपके सिलेबस में नहीं है।
द सम ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन इज 11/20, सही से समझिए आ जाएगा, एंड देयर डिफरेंस इज 3/20। तो देखिए सम गिवन है 11/20 एंड डिफरेंस 3/20, ऐसे कंप्लीटली द सम ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक, डिफरेंस ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस, टू लाइक फ्रैक्शंस, क्लियर। अब एक चीज दिमाग थोड़ा सा जोर डालिए, 20 भूल जाइए कि डिवाइड में 20 है। अगर हमको सीधा सीधा बोलता कि दो नंबर है ऐसे जिनका सम है 11 और उन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है, हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो 11 मिल जाए और जिनका डिफरेंस कर दें तो क्या मिल जाना चाहिए, 3, ठीक। तो बहुत सिंपल है, 7 और 4 यही दो नंबर आपको मिलेंगे, ठीक, जिनका डिफरेंस 3 और जिनका एडिशन 11, ठीक। तो फ्रैक्शंस आर, हमको क्या मिलते हैं फ्रैक्शंस भाई, 7/20 और 4/20। अगर इन दोनों को डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 3/20, अगर दोनों का सम फाइंड करेंगे तो 11/20, ओके। बाकी उस मेथड से अगर लगाएंगे हम, लेट एक्स वन लाइक फ्रैक्शन एक्स, सेकंड लाइक फ्रैक्शन वाई, उसमें तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होगी और आप समझ भी ना पाओगे, है ना। जैसे एक हॉट क्वेश्चन अभी आपको मिला था, कितनी प्रॉब्लम हुई थी, ओके। सो पेज नंबर 96 हॉट कंप्लीटेड, नाउ पेज नंबर 99, वन हॉट इज देयर इन पेज नंबर 99, सो पेज 99 एंड वन हॉट इज देयर, सो दीज हॉट कंप्लीटेड, नाउ पेज 99। आकाश पेंटेड 4 meter आउट ऑफ 6, मतलब 6 meter था, 4 पेंट कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बना, 4/6, यानी कि 6 पार्ट था, 6 पार्ट्स में से उसने 4 कंप्लीट कर लिया, तो 4/6 है ना, होल पार्ट अपॉन होल पार्ट तो लिखते हैं ना फ्रैक्शन में, पार्ट ऑफ होल। तो आकाश पेंटेड 99 हार्ट्स, इसके साइड में आप अपनी कॉपी में ये लिखेंगे फिर करेंगे, ठीक, तभी पता चलेगा ये कहां का हार्ट्स है, ठीक है। आकाश पेंटेड 4 कितना, 4/6। देन संतोष पेंटेड 4 इक्वल टू 8/12। आप समझो हु पेंटेड मोर, क्या रहा, किसने ज्यादा पेंट किया, तो किसी ने ज्यादा पेंट नहीं किया, दोनों ने सेम पेंट किया। अब आप कहोगे सेम क्यों, क्योंकि बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो आंसर में लिखेंगे बोथ पेंटेड सेम बिकॉज 4/6 एंड 8/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दैट इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4, तो देखो एक्सरसाइज 6.4 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस आउट ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, सर्किल इम्प्रॉपर में सर्किल करना है और प्रॉपर में क्रॉस करना, तो आपको पता है प्रॉपर इम्प्रॉपर,
प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर क्या होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो ये सब आप करते रहिए। सेकंड और थर्ड, सेकंड में आपको एफ जी एच आई जे करना है, थर्ड में आपको ऑल करने हैं, फोर्थ आप खुद से करना है, फ्रैक्शंस है एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, फिफ्थ आई एक्सप्लेन हियर। सो फर्स्टली सेकंड एफ जी एच आई जे, सो 6.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड कर दो, 4 6 24 सबट्रैक्ट किया 1 आया, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, होल नंबर होगा 6, रिमाइंडर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर, क्लियर। 2 divided by 17, 2 8 16, रिमाइंडर 1, तो मिक्स्ड क्या लिखेंगे, 8 होल 1/2। जो क्वेश्चन होगा वो होल नंबर में होगा, जो डिवीजर है वो हमेशा डिवीजर रहेगा और रिमाइंडर हमारा होगा न्यूमरेटर। 19/4, तो 4 divided by 19, 4 4 16, कितना 3 लेफ्ट। सो मिक्स्ड क्या लिख देंगे हम, 4 होल 3/4, क्लियर। 5 divided by 21, 5 4 20, सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा 1, तो मिक्स्ड में क्या लिखेंगे हम, 4 होल 1/5। अगर इनमें डाउट हो तो आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 2 16 1 17/2, 4 4 16 3 19/2, और 19/4, 5 4 20, और 1 21/5, तो सारे आपको वही मिलेंगे। इसको करते हैं 2 divided by 19, 2 2 9 18, सब्ट्रैक्ट करो यू गेट 1, तो मिक्स्ड में क्या लिख देंगे हम, 9 होल 1/2, 9 2 18 119/2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड गिवन है इम्प्रॉपर में करना, तो वेरी इजी, क्या था, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 होता है, और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ठीक। 4 3 12 1 13/3, ये आंसर। सेम ईयर 5 multiply by 3 plus 1/3, ठीक। जो होल नंबर होता है उसको डिवीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो 5 3 15 1 16/3, फिर 7 multiply 2 plus 1/3, सो 7 2 14 प्लस 1, ओह नॉट 3 हियर 2, सो 15/2, 11 multiply by 3 plus 1/3, 11 3 33 और 1 34/3, एंड हियर 8 multiply 4 plus 1/4 equal to 8 4 32 plus 1/4, so 33/4, these are the improper fraction converted to mixed fraction, mixed fraction convert ho gaya improper mein, okay। So this is question number third, question 5, क्वेश्चन 4 यू कैन डू इजिली, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर में बुक में फिल करना है, ठीक है। श्रेया स्पेंड 1/3 ऑफ एन आवर एवरी इवनिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक। तो श्रेया स्पेंड टाइम ऑन मंडे टू सैटरडे,
अब मंडे टू सैटरडे कितने डेज हुए? 6 डेज, और कितना टाइम स्पेंड करती हैं? 1/3, यानी कि 1/3 मंडे, 1/3 ट्यूसडे, इसी तरह 1/3 करके कब तक? सैटरडे तक। तो 6 डेज एडेड, सो 6/3 विल बी ठीक टोटल स्पेंड टाइम मंडे टू सैटरडे। नेक्स्ट यू कैन राइट आवर्स, देन ऑन संडे सी स्पेंड 2/3 ऑफ एन आवर इन द ओल्ड एज होम। सो ऑन संडे सी स्पेंड 2/3 ऑफ एन आवर्स, ठीक। सो नाउ हाउ मच टाइम डस सी स्पेंड एट द ओल्ड एज होम इन अ वीक? सो सी स्पेंड टाइम इन अ वीक, एक वीक में कितना? तो 6 डेज का ये, 1 डे का ये ऐड कर दो, 6/3 + 2/3, सो व्हाट विल बी 6 to 8/3 आवर्स। अब 8/3 ये क्या है? इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आंसर हो जाएगा? आप डिवाइड करके निकालना, 3 2 6, 6 to 8, क्लियर? ये आंसर आएगा 3 2 6 to 8/3, वही है आवर्स, डिवाइड करके आप नेक्स्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे पेज नंबर 102 में टू हार्ड क्वेश्चन है, टारगेट ओलंपियाड, जिन क्वेश्चनों ने आपके दिमाग को जो है घुमा के रखा है ना, कम स्टूडेंट को समझ में आए हैं, तो एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके शॉर्ट मेथड्स भी हैं और लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है शॉर्ट मेथड, आप जितना सोच सकते हैं, और लॉन्ग मेथड तो लॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो देखो पेज नंबर 102 हार्ड क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है बोर्ड में, फर्स्ट नंबर, दो क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16, If the smaller number is 3/3 of the larger number, तो हमको larger तो पता ही नहीं है, तो फिर smaller कैसे पता चलेगा? तो पहले हम larger let करते हैं, ठीक? Let larger number equal to x, ठीक? x मानो, p मानो, q मानो, r मानो, कुछ भी। x क्या है? Variable। Variable क्या होते हैं? जिनकी value बदलती रहती, चेंज हो सकती, कुछ भी निकल आएगी, ठीक। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे आपके नंबर 1 2 3 4, इनकी वैल्यू नहीं चेंज होती, जो 10 है तो 10 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, लेकिन यहाँ x कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता x की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक। हमने लेट कर लिया कि लार्ज नंबर x है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलर नंबर जो लार्ज नंबर का है वो 3/5 हो जाएगा, लार्ज नंबर का 3/5, तो लार्ज नंबर x था, इसका 3/5 हो गया, ठीक। तो स्मॉलर नंबर आपको ये मिला। अब क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है? 16। तो यहां राइट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों का डिफरेंस, इसमें से ग्रेटर ये है, ग्रेटर में स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और दोनों का डिफरेंस है 16, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो गया। तो देखो यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर 5 है, यहां भी डिनोमिनेटर 5 बनाना है, तो ये क्या है, x के अपान में 1 ऑलरेडी होता है, जहां पे डिवाइड में कुछ भी ना हो वहां 1 हम कर सकते हैं। तो 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 का मल्टीप्लाई, तो कर दो 5 में x 5x और 5 में 1 5 माइनस 3, ये x है अपॉन 5 इक्वल टू 16 हो गया। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर सबट्रैक्ट कर दो, 5x में 3x, तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, 2x अपॉन 5 इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
16 अपॉन 1 हम कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो 16 5 से 80, 2x यहां रहेगा लेफ्ट साइड और 5 उधर जाएगा, तो 16 5 से 80, तो x इक्वल टू 80 अपॉन 2, जो मल्टीप्लाई में होता है सेकंड साइड में अगर हम ले जाते हैं तो वो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में, प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होगा तो प्लस में, तो x क्या मिला 40 मिला हमको, डिवाइड कर देंगे 40, यानी कि जो हमारा लार्जर नंबर मिला वो क्या मिला x, लार्जर नंबर ही तो लेट किया था x, लार्जर नंबर इक्वल टू 40, तो स्मॉलर क्या क्या निकलेगा, स्मॉलर क्या था 3 by 5 into x, और x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 40, तो 5 8 40 क्या बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 24, तो स्मॉलर नंबर हमको मिला 24 और लार्जर नंबर मिला 40। अब इसका डायरेक्ट मेथड भी है, तो डायरेक्ट मेथड आप देखिए मैं बता देता हूँ, आप समझ सके तो समझिए, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं ये, टारगेट ओलंपियाड क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड वगैरह जो एग्जाम होते हैं आपके स्कूलों में वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 16, हमें दो ऐसे नंबर चूज करना है जिनका डिफरेंस 16 आना चाहिए, उसमें से कंडीशन गिवन है कि जो स्मॉलर नंबर है, ये तो आपका प्रॉपर मेथड हो गया ठीक, स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का, द स्मॉलर नंबर इज 3/5 ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक, तो यहां पे कोई ऐसा नंबर फिट नहीं होगा, केवल 40 ही ऐसा नंबर फिट होगा, 8 3 24, ठीक, 40 आ गया हमारा लार्जर और स्मॉलर आ गया 24, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 16, तो बस ये आपको ये नंबर ढूंढना पड़ेगा ठीक, तो इतना सोचने से बेटर है सॉल्व करके निकाल आएगा सीधा सीधा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ अ डॉग, ये भी पेज नंबर 102 का हार्ड क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इफ द वेट ऑफ डॉग 12 केजी मोर देन 1/4 ऑफ इट्स वेट, फाइंड द वेट ऑफ द डॉग, तो पहले सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, इफ द वेट ऑफ डॉग 12 केजी मोर देन 1/4 ऑफ इट्स वेट, तो क्या लेट करेंगे डॉग का वेट लेट कर लेंगे, लेट वेट ऑफ डॉग इक्वल टू x केजी, आप x की जगह कोई दूसरा भी ले सकते हैं ठीक है, वाई जेड पी क्यू आर कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, क्योंकि हमें x से लेना ही देना नहीं, उसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो कुछ भी ले सकते हैं। सो इफ द वेट ऑफ अ डॉग 12 केजी मोर देन 1/3 ऑफ इट्स वेट, मतलब उसके वेट से, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना उसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसका वेट है उसके वेट से 1/4, जो उसका वेट है उसके वेट से 1/4 कितना है 12 ठीक, दैट्स वेट ऑफ डॉग 12 केजी मोर, तो ज्यादा है मतलब दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा ठीक है, इट्स वेट फाइंड द वेट, बस हो गया, तो सेम इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन क्या है 1, इसमें 4 है तो यहां भी 4 बनाना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी आ जाएगा x अपॉन 4, 1 इंटू x होता है तो x अपॉन 4 इक्वल टू 12, ये क्या आया 4x माइनस x तो 3x अपॉन 4 इक्वल टू 12, अब क्या करेंगे वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3x में 1 का मल्टीप्लाई 3x और 12 में 4 का 48, तो x इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 वन जा 3 और 3 सिक्स जा 18, तो x इक्वल टू 16 केजी, यानी कि डॉग का वेट क्या था 16 केजी। अब देखो डायरेक्ट इसमें कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी यहीं से उठाना पड़ेगा, यहां पे हमें x की वैल्यू ऐसी सोचनी पड़ेगी जिससे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें और वो होगी 16 ठीक, तो बेटर यही है ओके। सो नाउ योर हार्ड क्वेश्चन पेज नंबर 102 कंप्लीटेड, नाउ एक्सरसाइज 6.5।
सी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चंस हैं जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ इसमें से आपको एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर जो नोटबुक में करना है, ठीक है। बाकी सब आपको बुक में ही फिल करना है। सो सी नंबर लाइन बनाते हैं। ये जो नीचे है 5, ये पार्ट है 14, 8, 10। बस ये चेक करना है कि ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अब ये क्या है 11/8, ये इम्प्रॉपर है। अब हमारे पास तो कॉलम 8 ही है तो हम 11 कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे ना। क्लियर, बात समझ में आई ना। हमारे पास तो कॉलम 8 ही है, बॉक्सेस पार्ट 8 हैं, तो हम 11 कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फिर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आते हैं, हम 5 पार्ट बनाते हैं। 0 नंबर लाइन में लेफ्ट साइड माइनस के नंबर होते हैं और राइट साइड प्लस के, लेकिन आपका कोई भी नंबर माइनस का नहीं है तो प्लस का ही। 0 फिर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। ये 5 पार्ट हैं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता, फर्स्ट पार्ट जो है इसको बोलेंगे 1/5, सेकेंड 2/5, 3/5 एंड फिर 4/5। ओके, तो हमको किससे मतलब है, हमको मतलब है 4/5 से, इससे कोई लेने देना नहीं है। तो 1/2/3/4/, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 4/5। इसको देखते हैं सेकेंड, 0 से स्टार्ट करेंगे, कितने 14 कॉलम, तो 1, 2, पहले वाले काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कॉलम कर दी क्योंकि 14 पार्ट थे। अब कहां पे जाना, थर्ड नंबर पे, तो 1/14, 2/14, 3/14, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया 3/14, इसको डार्क कर देना। ओके, नेक्स्ट आएंगे 11/8, तो 11/8 हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके, तो 8 1 8, ठीक, और 8 + 3 11, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया 8 1 8 और 3 11/8। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें क्योंकि मिक्स हो गया तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या है, यहाँ पे कॉलम ऐसे लेने हैं 1, 2, 3, इस तरह से लेने, ठीक। और ईच कॉलम के कितने पार्ट है आप ध्यान से समझना, ईच कॉलम हैविंग 8 पार्ट, तो यानी कि इसमें भी 8 पार्ट, इसमें भी 8 पार्ट, इसमें भी 8 पार्ट, ठीक। तो 1 तो यहां पे कंप्लीट हो गया क्योंकि 1 होल है, तो यहां से यहां तक 1 कंप्लीट, इसके बाद में 8 पार्ट कर देंगे, 8 पार्ट सब में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 होंगे, एक ये इंक्लूड होगा इसमें और इसमें, एक ही इंक्लूड होगा, ठीक। तो ये 1 होल हो गया, यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट, इसके बाद कितना है 1, 2, 3, 3, 3/8 है, तो 8 में से कितने पार्ट लेने हैं 3, तो 3/8, तो ये हो गया 1 होल 3/8, इसको आप डार्क कर देंगे। क्लियर, बात समझ में आई, 1 होल था तो यहां से यहां तक ये पूरा होल हो गया, इसके बाद एक पार्ट के बीच कितने छोटे कॉलम बनने चाहिए 8, ठीक, तो 8 बना दिए, और 8 में से कितने हमें चाहिए 3, तो 1, 2, 3 ले लिए, तो 3/8, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 होल 3/8, इसको आराम से लिख दीजिए 1 होल 3/8, क्लियर। सेम 5 का कंटेंट, तो ये तो इजी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5/10, ठीक। इसके बाद 7/6, ये भी आपका कौन सा फ्रैक्शन है, 7/6 ई नंबर, तो इसको पहले कर लीजिए, ई नंबर बचा, मैं यहाँ पे कर देते हैं ई नंबर,
सेवन अपॉन सिक्स। तो देखिए सेवन अपॉन सिक्स को हमको क्या करना है, इसको पहले मिक्स्ड में करिए, वन सिक्स वन जा सिक्स वन सेवन, सिक्स वन जा सिक्स वन सेवन, ये होगा तो बहुत इजी हो गया। अब ऐसी नंबर लाइन ड्रा कर देंगे हम, ठीक, जीरो से कितने, वन टू थ्री, ये मेन मेन नंबर है, होल नंबर है। अब इनके बीच में कितना, कितने छोटे छोटे कॉलम बनने चाहिए, सिक्स बनने चाहिए। तो वन तो होल कंप्लीट है यहां से यहां तक, इसके आगे वाले बना देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, और इसमें से लिया कितना गया है, वन, सिक्स पार्ट में से वन, तो ये पहला नंबर आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वन होल वन बाई सिक्स, क्लियर, ये ई नंबर हो गया आपका। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शन को बहुत ईजी है। सो नाउ योर एक्सरसाइज 6.5 आल्सो कंप्लीटेड। नाउ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ रिवीजन स्टेशन। नाउ रिवीजन स्टेशन, तो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री यू हैव टू फिल इन बुक, एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स डू योर सेल्फ, वेरी इजी, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब इजी हैं। तो सेवन एट नाइन आई एम एक्सप्लेनिंग। सेवन नंबर, राजू यूज्ड वन अपॉन एट के जी ऑफ एप्पल्स, थ्री अपॉन एट के जी ऑफ ग्रेप्स, एंड वन अपॉन एट के जी ऑफ मैंगोज टू मेक फ्रूट सलाद, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट सलाद। तो वेरी इजी, सो राइट, राजू यूज्ड व्हाट, फर्स्टली ही यूज्ड एप्पल्स, वन अपॉन एट के जी, फिर राजू यूज्ड ग्रेप्स, हाउ मच, वन अपॉन थ्री अपॉन एट के जी, फिर राजू यूज नेक्स्ट मैंगोज, वन अपॉन एट के जी, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट सलाड। तो वेरी इजी, टोटल वेट ऑफ फ्रूट सलाद, तो एड इट, वन बाई एट, थ्री बाई एट, एंड वन बाई एट, सो व्हाट यू विल गेट, थ्री वन फोर वन फाइव, सो फाइव अपॉन एट के जी टोटल फ्रूट सलाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर एट, मिकी एंड रिकी अर्न द सेम सैलरी, मिकी स्पेंड नाइन, मतलब दोनों सेम सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन मिकी स्पेंड 9/17 ऑफ हिज सैलरी इन अ मंथ, एंड रिकी स्पेंड 11/17 ऑफ हिज सैलरी इन अ मंथ, हु सेव्स मोर एंड इन वन मंथ, ठीक, कौन ज्यादा सेव करता है। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सेम सैलरी दोनों को मिलती है, तो वेरी इजी। नंबर एट, मिकी स्पेंड्स ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कितना स्पेंड करता है मिकी, 9/17, एंड रिकी स्पेंड ऑफ हिज सैलरी, रिकी कितना स्पेंड करता है, 11/17, दोनों की सैलरी सेम है, ठीक। तो जो कम खर्चा करेगा वो ज्यादा बचाएगा, और जो ज्यादा खर्चा करेगा वो कम बचाएगा। तो इसमें से स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, 9/17 और ग्रेटर 11/17, तो ये इनका खर्च है, ठीक। तो ये ज्यादा खर्च कर रहा है इसलिए कम बचा पाएगा, ये कम खर्च कर रहा है इसलिए ज्यादा बचा पाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, हु सेव मोर इन वन मंथ, किसने ज्यादा बचाया। तो वेरी इजी, कौन ज्यादा बचा रहा है, मिकी, क्योंकि मिकी खर्च कम कर रहा है, मिकी सेव मोर सैलरी, ठीक। अगर बताना होता कितनी, तो बहुत सिंपल था, 11/17 माइनस 9/17 कर देते,
तो 2/17 वो ज्यादा बचा रहा है किससे, रिकी से। ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन, नंबर 9, आशा उषा एंड निशा ड्रंक 1/5, 1/5 एंड 2/5 फ्रैक्शन ऑफ जूस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लार्ज जग पैक, हाउ मच जूस डिज दे ड्रिंक ऑल टुगेदर। तो बहुत इजी ये भी है, लिखो 9 नंबर, आशा ड्रिंक जूस कितना 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन लिखो, पार्ट लिखो, कुछ भी लिखो। फिर आशा के बाद कौन है, उषा ड्रंक जूस कितना, इसमें भी 1/5 पार्ट, और टोटल कितने पार्ट थे, 5 पार्ट्स थे। उसके बाद निशा ड्रंक जूस हाउ मच 2/5 पार्ट, टोटल पार्ट में से, तो दे ड्रंक ऑल टुगेदर, उन्होंने कितना पिया, दे ड्रंक ऑल टुगेदर, सो ऐड 1/5, 1/5 और 2/5, तो 2, 1, 3, 1, 4, सो 4/5 पार्ट दे ड्रंक आउट ऑफ 1, यानी कि 5/5 पार्ट में से उसने 4 पार्ट पी लिया। अगर हाउ मच लेफ्ट कहता तो कितना 1/5 बच जाता। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर 6 जो सोहा हो गया। ठीक, वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत समस्याएं हैं। पहली समस्या गर्मी की है, क्योंकि फैन तो है लेकिन फैन से क्या होगा, थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब होगी। ठीक है, सीलिंग फैन है, थोड़ा तेज चलता है, स्लो चलाएंगे तो भी थोड़ा बहुत आवाज आती है, इसलिए। सो कंप्लीट इट, चैप्टर 7 में कुछ नहीं है, उसमें डेसिमल की डेफिनेशन है। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन है छोटा सा, हार्ड क्वेश्चन है 2, उसमें वो भी सिंपल है, तो आई विल एक्सप्लेन ठीक इन नेक्स्ट वीडियो। सो मैं 5 to 10 मिनट वीडियो विल बी देयर। Okay, so complete it.